जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी परेशानी होती है त्रिकोणमिति मान याद करने में, त्रिकोणमिति मान देखकर आपको चिंता होने लगती है कि कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति मान याद करने से छुटकारा मिल जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको टेबल अपनी बना लेनी है, या आप स्टार्टिंग पे देखिए आपको सबसे पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 तक आपने लिखा। फिर इसके बाद इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के साथ ही आपको इसमें रूट लगा देना है। इन सभी में क्या करना है, रूट का साइन लगाना है। मैंने क्या कहा आप समझ पाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, उसके सभी के बटे में 4 लिखना है, और 4 लिखने के बाद आपको उसमें रूट लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 0 और 1 अपॉन 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, 2 अपॉन 4, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया, तो इसे 1 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखिए √3/4 है, तो इसे आप √3/2 लिख देंगे, और ये 4 कट जाएगा 1 आएगा, तो √1 की वैल्यू 1 होती है। हाँ तो देखिए ये जो मान आए ये आपके सभी मान साइन के हो गए, ये साइन 0 अंश का, ये साइन 30 अंश का, ये 45, ये 60, और ये आपका क्या हो गया 90। साइन 0 30 45 60 90, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब आपको जब कॉस का निकालना है तो कॉस के लिए आपको इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स, सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर इसके बाद 1/√2, फिर इसके बाद 1/2, और फिर 0। क्या मतलब समझे, साइन कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान 0। देखिए साइन 45 और कॉस 45, इन दोनों का मान 1/√2 ही होता है। अब आप बात आती है कि टेन की, टेन का मान कैसे निकालेंगे। टेन का मान निकालने के लिए इस फार्मूले पे आपको ध्यान देना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे तो आपको ये मान निकल आएंगे। तो जैसे साइन 0 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1, तो क्या आ गया 0, यहाँ आया 0। फिर इसके बाद 1/√3/2, तो 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कट गया, टेन 30 का मान क्या हो गया 1/√3। फिर इसके बाद टेन 45 का, तो 1/√2 कट गया, क्या गया 1। फिर साइन टेन 60 का, तो क्या हो जाएगा √3/2/1/2, तो √3/2 × 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या गया √3। अब इसके बाद साइन 90 का, साइन 90 के बाद यहाँ टेन 90 के लिए आपको क्या करना है 1/0, तो आपको पता है 0 से जब भाग देते हैं किसी भी नंबर में तो क्या आता है इन्फिनिटी, तो इसका मान क्या हो गया tan 90 का मान इन्फिनिटी। अब ये sin cos tan के आ गए, अब cosec के लिए 1/sin करेंगे, cosec क्या होता है, cosec =1/sin θ। फिर cos का आ गया तो sec के लिए 1/sec θ =1/cos θ, और tan का आ गया तो cot θ के लिए 1/tan θ। तो क्या मतलब, tan 0 का मान 0 है, अब यहाँ पे देखिए tan 0 का मान 0 है, अब आप इसका उल्टा करेंगे तो cot 0 का आ जाएगा, cos का दिया है sec का निकाल लेंगे, sin का दिया है cosec का निकाल लेंगे। आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं।